हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप सब अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो सीएमए इंटरमीडिएट में जो न्यू कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम लॉन्च हुआ है, इंस्टीट्यूट ने किया है, उससे रिलेटेड है। उसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा, ये किन किन पे एप्लीकेबल है और इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं इसके, वो सारे कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इस प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट नंबर 11 है, स्कोप ऑफ द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजेंसी। एजेंसी को क्या क्या करनी है स्टूडेंट के लिए। तो प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। 40 आवर्स की आपकी ट्रेनिंग होगी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल से रिलेटेड होगा। एंड 20 आवर्स की जो आपकी ट्रेनिंग होगी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस फॉर सॉफ्ट स्किल्स की होगी। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड अपग्रेड ई फाइलिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल, 20 आवर्स की आपकी ई फाइलिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल होगी, जो टोटल 80 आवर्स कंप्लीट होते हैं। ओके, और सेकेंड पॉइंट में क्या बोलते हैं इन्होंने, ई फाइलिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको ई फाइलिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी, ऑनलाइन पैन का एप्लीकेशन कैसे होता है, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स TDS के बारे में, कस्टम ड्यूटी, एम्प्लॉय ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का बारे में आपको सिखाया जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको सिखाया जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर का कैसे होता है, ये सारे कुछ आपको सिखाई जाएगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेक्शन। उसका जो पॉइंट नंबर सी से लेके बाकी सारे पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। जैसे लिखा हुआ है, ICAI विल ऑर्डर मिनिमम 20,000 लाइसेंस पर ऑर्डर each year during the period of contract, and each order of 20,000 license will be utilized in two lots. Do lots mein isko utilize karegi. When 10,000 license will be utilized in each lots, however the license will be active for 1 year duration only when the students get registered. To jo aapko license diya jayega, uski activation 1 year tak rahegi. Isme aapko SAP ka license bhi diya jayega, jo aap SAP server aap use kar sakte ho, जिसमें बिकॉज ये सारी आपको फाइलिंग, सारी डाटा आपको SAP के थ्रू सिखाई जाएगी, ये भी यहाँ पे मेंशन है। देखो, द कोर्स नीड बी होस्टेड इन SAP लर्निंग हब डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, तो कोर्स SAP के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। शुड कंडक्ट ऑनलाइन इनेबलमेंट सेशन ऑन यूजेज ऑफ SAP लर्निंग हब टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। This session be conducted region wise to ensure that the faculties in all the centers are enabled on SAP Learning Hub. तो ये सारा कुछ आपको SAP के थ्रू सिखा जाएगा। Right to accept, अब ये नीचे से आपके लिए कोई relevant point नहीं है। तो इतने points है जो आपके लिए relevant है, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। अब next question आते हैं, कब से applicable है और कैसे, कब आप ये कर पाओगे। तो आप institute के site पे जब आप जाओगे, तो यहाँ notification का section है। अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा। मैंने काफ़ी सारे नोटिफिकेशन चेक किए हैं, तो मुझे अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि कब से एप्लीकेबल है, किन के ऊपर एप्लीकेबल है, और अभी इंस्टीट्यूट कैसे करवाएगी इसको, वो सारी चीज़ें अभी तक कहीं नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुए। तो किसी ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं बोला है कि ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो एक पार्टिकुलर डेट से, जिनके बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक आप वेट करो, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके पास कि कब से एप्लीकेबल होगा, किन स्टूडेंट्स को करना होगा, किन नहीं करना है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो वेट करो आप नोटिफिकेशन का। थैंक्स, बाय, टेक केयर।